पाताल तुम्बी एक चमत्कारिक दिव्य औषधि है जिसका उल्लेख 64 दिव्य औषधियों में मिलता है। यह एक लता जाति का पौधा है जो पेड़ पौधों पर लिपटे हुए या जमीन पर फैले हुए रहते हैं। इसके पत्ते पलाश के पत्तों के समान होते हैं, इसीलिए इसे लता पलाश या कंद पलाश कहा जाता है। इसका कंद बहुत ही पौष्टिक तथा ताकतवर औषधि है, परंतु इसके कंद को निकाल पाना बहुत ही कठिन और श्रमसाध्य है, क्योंकि इसका कंद जमीन से 4-5 फीट अंदर होता है, जिसे खोद कर निकाल पाना सबके बस की बात नहीं। परंतु एक पौधे के जड़ में लगभग 6-7 बड़े बड़े कंद निकल जाते हैं, जिसमें प्रत्येक कंद का वजन 2 किलोग्राम से लेकर 20 किलोग्राम तक होता है। इन्हीं कंद को पाताल तुम्बी, पाताल कोहड़ा या बिदारी कंद कहा जाता है। आयुर्वेद में पाताल कोहड़ा को बहुत ही चमत्कारिक बताया गया है। पाताल कोहड़ा के नियमित सेवन से शरीर स्वस्थ एवं निरोग हो जाता है तथा चेहरे की झुर्रियां समाप्त हो जाती हैं। 10 ग्राम पाताल कोहड़ा तथा 1 लौंग को चबाकर खाने से शरीर में गर्मी दौड़ जाती है और थकान, कमजोरी तथा आलस्य दूर हो जाता है। पाताल कोहड़ा सफेद मुसली, काली मुसली, अश्वगंधा, गोखरू तथा अकरकरा सभी को समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण बनाकर 5-5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन किया जाए तो समस्त प्रकार के गुप्त रोग मात्र 15 दिन में ही समाप्त हो जाते हैं। पाताल कोहड़ा के चूर्ण को घी में मिलाकर 1-1 तोला की मात्रा में गर्म दूध के साथ सेवन किया जाए तो शरीर बलवान तथा पुष्ट हो जाता है। पाताल कोहड़ा 10 ग्राम, त्रिफला 50 ग्राम, काली मुसली 30 ग्राम तथा बड़ी गोखरू 20 ग्राम सबको कूट पीस कर पाउडर बनाकर सुबह शाम 10-10 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ सेवन किया जाए तो स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, वीर विकार तथा शुक्राणुओं की कमी इत्यादि रोग समाप्त हो जाते हैं।